गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 11th का सेकेंड लेक्चर। कल बच्चों हमने आपको डिस्कस किए थे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एटॉमिक मासेस आपने लर्न करे थे, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा। अब एक क्वेश्चन है इस टाइप से, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ। अब हमने दो क्वेश्चन दे दिए, एक दे दिया मैग्नीशियम सल्फेट और एक दे दिया ये कंपाउंड, दिस इज नोन एज ग्लूकोज। अब परसेंटेज कंपोजिशन का ये मतलब होता है कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब की परसेंटेज आपको निकालनी है। MgSO4 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आंसर निकाल रहे हैं ए का, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो पहले तो इसको ब्रेक कर दो, एक मैग्नीशियम एक सल्फर एंड फोर ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 120। क्लियर। अब परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो फार्मूला होगा मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये वैल्यू मैग्नीशियम का कितना है बच्चों, 24 अपॉन 120 इनटू 100। अब ये कट करो, 12 2 जा 12 वो बन जा, ये हो गया 200 अपॉन 10, इट मींस 20%। अब कहा जाएगा परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो सल्फर का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। सॉल्व आप कर लोगे कैलकुलेशन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट है 16 4 जा 64 अपॉन 120 इनटू 100। अब बी पार्ट में आ जाओ, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये आ गया 180। अब हमने कहा परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। कार्बन का वेट है ये 12 6 जा 72 अपॉन टोटल इनटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वेट 12 है अपॉन 180 इनटू 100। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का वेट है 16 इनटू 6, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, अपॉन 120 इनटू 100। यह है परसेंटेज कंपोजिशन का एक क्वेश्चन। साइड आ जाओ नेक्स्ट। अब आपने देखा होगा कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक आइसोटोप का वेट होता है 35 और दूसरे का 37, एटॉमिक नंबर 70 होता है। जबकि हम क्लोरीन का एटॉमिक मास यूज करते हैं 35.5, जबकि पॉइंट में हो नहीं सकता, हमेशा अपने होल नंबर में होता है, या तो 35 होना चाहिए 36। तो ये जो फ्रैक्शन में दे रखे होते हैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, ये इसलिए दे रखे होते हैं कि ये एवरेज निकाला जाता है, एवरेज डेसिमल में आ सकता है। सपोज कर लो एक दिन क्लास में 10 स्टूडेंट आए, सेकेंड डे 11 स्टूडेंट आए, तो एवरेज अटेंडेंस हो जाएगी 10.5। आप कहोगे कि 10.5 स्टूडेंट्स पर डे आ रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट पॉइंटों में नहीं होते हैं, लेकिन एवरेज अटेंडेंस डेसिमल में आ सकती है। ये डेसिमल में क्यों आता है, हमने स्टडी करी तो ये पता लगा एटमॉस्फेयर में इसके 75% एटम्स होते हैं और इसके 25%। फिर मैं बता रहा हूं क्लोरीन 35 हुआ क्या, हमने क्लोरीन के 100 एटम्स कलेक्ट करे जगह जगह से,
तो उन 100 एटम्स की जब चेक करा तो पता लगा उसमें 75 एटम 35 एटॉमिक मास वाले थे और 25 एटम थे 37। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फार्मूला होता है इसकी परसेंटेज इनटू इसका एटॉमिक मास प्लस इसकी परसेंटेज इनटू इसका एटॉमिक मास अपॉन 100, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आएगा, इसलिए ये आता है 35.5। इसलिए हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते हैं 35.5। अब एक इसका रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन क्या है, बोरॉन अकर्स इनटू टू आइसोटोपिक फॉर्म B10 एंड B11। बोरॉन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का एटॉमिक मास होता है 10 और एक का होता है 11। इसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है 10.8। फाइंड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, कि कितने परसेंट ये है और कितने परसेंट ये है। सपोज कर लो ये एक्स परसेंट है तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स परसेंट, दोनों का समेशन देखो 100 आ गया। अब फार्मूला लगा दो, यही वाला एवरेज एटॉमिक मास की जगह आप रख दो 10.8, इस वाले की परसेंटेज है x और इसका एटॉमिक वेट है 10 और इस वाले की परसेंटेज है ये और एटॉमिक बेस है 11/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, जब इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1080 इक्वल टू 10x प्लस, मैं इसकी इससे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -11x। अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया -20, ये 10x और -11x यानी -x, x इक्वल टू हो गया 20 और x हमने परसेंटेज मानी थी B10 की, इट मींस ये आइसोटोप है 20% और ये आइसोटोप है 80%। ये एक्सरसाइज दे रखी है पेज नंबर असाइनमेंट के 6 पे, 2-3 क्वेश्चन और है आप सॉल्व कर लेना, कोई डाउट आए तो आप मुझे सेंड कर देना। ये हो गया हमारा एक टॉपिक था, एक इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा था वो था परसेंटेज कंपोजिशन निकालना और ये था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। ये हमारा इतना खत्म हुआ। अब बच्चों हमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं और वो टॉपिक आपको असाइनमेंट में मिलेगा बच्चों, पेज नंबर 7। एक टर्म होती है एम्पिरिकल फार्मूला, एक होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में एटम्स जितने प्रेजेंट होते हैं वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखें तो आप कहोगे इट इज द या इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन हो जाएगी इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको कट करते जाओ और जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आएगा दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मैंने लिखे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये लिखे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एक ये कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, इसको अगर आप कट करोगे तो ये 6 से कट हो रहा है, फार्मूला आ जाएगा CH2O, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एग्जाम्पल देख लो आप, ये हमने कोई कंपाउंड ले लिया, कट हो रहा है 6 से तो कट कर दो, फिर हमने ले लिया C2H6, ये हो जाएगा CH3
और अगर कोई हमने ऐसा कंपाउंड लिया जो कट नहीं हो रहा है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम आएगा, क्योंकि टू और थ्री एक दूसरे से डिवाइड, कोई कट होगा ही नहीं वो नंबर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और एम्पिरिकल फार्मूला हो गया इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब होता क्या है, एक टर्म हम निकालेंगे n, n इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट टू द एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट का मतलब हुआ एम्पिरिकल फार्मूला का जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल वेट। इसका जो वेट आएगा निकल के तो ये आएगा 180। इसका वेट निकाल लोगे, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, ये हो गया 30। ये वैल्यू निकल के आएगी 6, तो n की वैल्यू हो गई हमारी यहां 6, यानी 6 से डिवाइड हो रहा होगा, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी n की वैल्यू कितनी आएगी 6, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां n की वैल्यू आएगी 2, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां n की वैल्यू आएगी 1। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला की होल पावर n। जैसे यहां पर अगर देखो एम्पिरिकल फार्मूला हमको बताए CH2O और n की वैल्यू है 6, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो C6H12O6। यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम निकालेंगे n की वैल्यू और फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला की होल पावर n। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 7 का आप असाइनमेंट खोल के अपने सामने रखोगे और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। एक टेबल बनाई जाएगी, इसमें वो टेबल आप देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 12 क्वेश्चन में कर रहा हूं इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, एलिमेंट कोई एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है आपको कोई मतलब नहीं है, उसमें कार्बन की परसेंटेज आपको गिवन है, हाइड्रोजन की गिवन है और ऑक्सीजन की गिवन है, और फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। आप एक टेबल बनाओगे, उसमें लिखोगे एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में लिखोगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, थर्ड का कॉलम में लिखोगे सिंपल रेशियो एंड फोर्थ कॉलम में लिखोगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जब आप ये बनाओगे टेबल बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे अपनी कॉपी में कि ये फर्स्ट वाला कॉलम थोड़ा पतला बनाओगे और लास्ट वाला ये दोनों थोड़े चौड़े बनाओगे। ठीक, एलिमेंट्स आपको दे देंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनको दूर दूर लिख लेना। अब कार्बन की परसेंटेज आपको गिवन है 54.2 अपॉन इसका एटॉमिक मास हमको पता है 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 9.2 और ऑक्सीजन की गिवन है 36.6, ये 9.2 आ गया। अब जब आप ये कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप लोग हाथ से करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर लोगे, डेसिमल के 3 प्लेस तक। टू पॉइंट टू एट से 3 प्लेस लेना वरना आंसर गड़बड़ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये जो भी वैल्यू आई है इन सारी वैल्यू को इस कॉलम में एज सच कॉपी करो, इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो सबको, तो सबसे छोटा नंबर है 2.287
वन आ गई, इनको दे दो 4.516 डिवाइडेड बाई 2.287, ये वैल्यू आई 1.97, 9.2 डिवाइडेड बाई 2.287, ये आई 4.02। राउंड ऑफ कर दो आप इसको, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। अब आप देखो कार्बन आए 2, कार्बन आए 2, हाइड्रोजन आए 4 और ऑक्सीजन आए 1। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1, 1 हम लिखते नहीं है। दिस इज नोन एज इंपेरिकल फार्मूला, मैंने शॉर्ट में लिख दिया EF, इंपेरिकल फार्मूला। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 88। अब निकालोगे आप N, N इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको 88, यूनिट गिवन है उसका AMU, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मास निकालोगे, कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का 24 प्लस 4 प्लस 16, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों 44। एम्पिरिकल मास हो गया 44, ये वैल्यू आई 2। अब लगा दो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन, और एम्पिरिकल फार्मूला है C2H4O, C2H4O, N की वैल्यू 2। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे C4H8O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आंसर चेक कर लो, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो बस ये टेबल बनाओगे, टेबल में ध्यान रखोगे पहला कॉलम छोटा, लास्ट वाला छोटा, लेकिन ये दोनों थोड़े से चौड़े रखोगे, अदरवाइज थोड़ा सा हसबस हो जाएगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देखना चाहिए आपका सोल्यूशन, कि जो एग्जामिनर सॉल्व करे, चेक करे आपकी कॉपी, तो बस खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे। एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बाकी कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा, आपको इस पेज के सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बाकी क्वेश्चन कल नेक्स्ट लेक्चर में, कल या परसों जब भी आएगा मैं सॉल्व करवाऊंगा। हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं 17 क्वेश्चन, आपको इसके जो क्वेश्चंस करने हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन करने हैं 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16 and 17, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, सिर्फ इतने, मैं फिर बता रहा हूं यही करने हैं। 17 क्वेश्चन में आप लिख दो, टेबल बना दो एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम में सिंपल रेशियो एंड फोर्थ कॉलम में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब आप इसमें देखो एलिमेंट्स कौन कौन से गिवन हैं, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। आयरन की परसेंटेज गिवन है 20, इसका एटॉमिक मास होता है 56, सल्फर की 11.5, इसका एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन की 23.1/16 एंड वाटर की 45.4/18, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास रखा जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, 0.357 डेसिमल के 3 प्लेस तक, 11.5 डिवाइडेड बाई 32, 0.359, ये वैल्यू, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आके पढ़ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
16, ये वैल्यू आएगी 1.44. नेक्स्ट 45.4 डिवाइडेड बाय 18, ये आएगी 2.252. सबसे छोटा नंबर यही है तो इसी से डिवाइड कर लो। यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लोगे, जैसे इसको अगर हम 357 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी 1 आएगी। ये आएगी 4.03। तो ये वैल्यू आएगी 7.06। अब आप राउंड ऑफ कर दो, ये 1, 1, 4 और ये 7, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया FeSO4 एंड 7H2O। यहां पे डॉट लगा देना, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा गया था क्वेश्चन में। सॉल्व कभी कभी एम्पिरिकल फार्मूला पूछेंगे आपसे, कभी कभी मॉलिकुलर फार्मूला। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हिम्मत से काम लेना, बस ट्यूनिंग बिठाए रखना। जितना काम रोज करवाया जाए उतना कर लो, लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठा लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, मैं फिर वही टेबल बनेगी, बहुत सिंपल है। सेकेंड में परसेंटेज अमाउंट एटॉमिक मास, थर्ड में सिंपल रेशियो एंड फोर्थ में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब आप इस क्वेश्चन में आओ, थोड़ी सी ट्रिक है इसमें। क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं गिवन है कोई, कार्बन की गिवन है 57.8, हाइड्रोजन की गिवन है 3.6 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो 100 में से इन दोनों परसेंटेज को माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की। क्लियर? 57.8 को ऐड करोगे 3.6 में, इसको माइनस कर दोगे 100 से, तो ये आई 38.9 अपॉन 16, इसके अपॉन एटॉमिक मास 1, इसका 12, ये दो हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 2.431, उसको हम निकाल लें 57.8 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 4.816। अब देखो बच्चों, इन सारे नंबर्स को यहां लिखेंगे, डिवाइड कर दो सबसे छोटे नंबर से 2.431 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 1.5 आएगा, ये 2 आएगा रफली। अब 1.5 आ गया, इसको ना तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और ना 2 कंसीडर कर सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा कोई केस आए कि इस टाइप से कोई 1.5 आ जाए, वैसे ये एग्जैक्ट आएगा 1.49, तो 1.49 को भी हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 मानेंगे। कभी भी अगर ऐसा केस आ जाए, ध्यान रखना, तो आप इन सब नंबरों को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया। तो हम मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही एलिमेंट को नहीं करेंगे, सबको करेंगे उसी से, जिससे कि रेशियो प्रोपोर्शन पे कोई फर्क ना पड़े। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C4
फार्मूला, लेकिन आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप निकालो n, n होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास गिविंग होता है क्वेश्चन में, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास आपको गिविंग नहीं है, आपको गिविंग है वेपर डेंसिटी। तो एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × BD, यानी वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 2 × BD वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल मास। वेपर डेंसिटी गिवन है 83, इसका आप मास निकाल लोगे 4 × 12 + 3 × 1 + 2 × 16, तो ये आएगा 83। एन की वैल्यू आ गई 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल एन। एम्पिरिकल फार्मूला है C4H3O2 का होल एन, और एन की वैल्यू आई 2, तो ये हो गया C8H6O4। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कभी कभी वो एम्पिरिकल फार्मूला पूछते हैं, कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको ध्यान रखना है वेपर डेंसिटी गिवन है तो इनटू 2 कर दोगे, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी ऐसे करते करते 1.5 आ जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर? अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं इस असाइनमेंट के, वो मैं नंबर नोट कर दे रहा हूं, वो ही करना, बाकी क्वेश्चंस ट्राई नहीं करना, मैं करवाऊंगा वरना आप डिप्रेस हो गए। थोड़ी सी ट्रिक है ये, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ, ट्वेल्थ, 13, 14, 16, 17। आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन उस असाइनमेंट के, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 के इतने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बाकी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये जो बुकलेट है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको PDF में सेंड करी है, जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो आप ये मान लोगे कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आधे आधे 50-50% कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बाकी टॉपिक है वो दूसरी बुकलेट में कवर कर लेंगे, हमारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कवर हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म में जनरली किसी भी स्कूल में 4 या 5 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टर्म तक 6 से 7 चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही, लेकिन करते हुए चलना साथ ही साथ। थैंक यू।